दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में रविवार को बीए प्रथम वर्ष की प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। पहली पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 12,033 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसके लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 9,121 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और 2,912 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं दूसरी पाली में बीएससी नर्सिंग की परीक्षा विश्वविद्यालय स्थित 5 केंद्रों पर संपन्न हुई, जिसमें 2,872 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 2,381 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 491 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा के दौरान कोविड को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया था। इस संबंध में स्नातक प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर राजवंत राव ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया गया। मास्क लगाए बिना किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। उन्होंने पहले अभ्यर्थियों से सैनिटाइजर लेकर आने की अपील की थी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए बालिका अभ्यर्थियों दीक्षा भवन केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता और स्नातक प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर राजवंत राव ने कहा। स्नेहा, बीएससी नर्सिंग कैसा हुआ था एग्जाम? अच्छा हुआ है। कैसा क्वेश्चन आया था? नॉर्मली 12 और 10 का। क्या व्यवस्था की गई थी कोविड को देखते हुए? सैनिटाइज करके अंदर लोग लेके गया और फिर टेम्परेचर लिया है, सबका मास्क था। पीटी बीएससी नर्सिंग बेसिक था। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। कहीं तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अंदर की जो भी व्यवस्था थी कोरोना को देखते हुए वो कितनी सही? उसको लेकर तो सही व्यवस्था था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतलब एक एक मीटर की दूरी पर बिठाया गया था। अर्चना महोदय सिंह का अच्छा हुआ है। कहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अंदर आप लोगों को सैनिटाइजर से कार्य कराया गया? हाँ, सैनिटाइजर से क्या, मास्क लगा कर जाना था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। सिद्धि सिंह बीएससी नर्सिंग का और पेपर अच्छा हुआ। क्वेश्चन इजी थे। ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसको लेके आप लोग थोड़ा परेशान हुए? नहीं नहीं, इजी थे क्वेश्चन। केमिस्ट्री में मेरे लिए तो मतलब इजी था। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान आप लोग का पेपर हो रहा है जी, इस दौरान क्या व्यवस्थाएं की गई? मतलब सब ठीक ही था, मतलब सैनिटाइजर वगैरह, मास्क तो है ही आपके पास अवेलेबल, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन किया? वो तो यहाँ दिख ही रहा है, मतलब नहीं ठीक था, बिल्कुल नहीं ठीक था। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे। मेरा नाम काजल, बीए नर्सिंग का। कैसा रहा पेपर? अच्छा गया। कोई ऐसा क्वेश्चन भी था जिसको लेके आप परेशान? नहीं, सही था सारा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी जी हमारे केंद्र पर। दीक्षा भवन दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें मैं केंद्राध्यक्ष था। हमारे केंद्र पर जो आज परीक्षा दिए हैं, आज की जो परीक्षा थी वो बीएससी नर्सिंग की परीक्षा थी, जिसमें कुल हमारे यहाँ 600 बच्चे रजिस्टर्ड थे। उसमें से जो है 109 एब्सेंट रहे और बाकी जो है 491 हमारे यहाँ प्रेजेंट रहे। इस प्रकार से कुल आज परीक्षा संपन्न हुई और इसमें जो है बच्चे
फिर अपने घर हो गए। अभी कोविड काल चल रहा है, कोविड काल में हम लोगों ने ये पूरा ध्यान में रखा है कि गेट पर हमारे यहाँ जो है उनका टेम्परेचर लिया गया है। जब वो हमारे केंद्र में आ रहे थे तो उनके गेट पर टेम्परेचर लेने का प्रावधान था और ध्यान में रखा गया कि उनको टेम्परेचर भी है तो हम उनको अलग रखें। लेकिन संयोग अच्छा रहा कि हमारे यहाँ किस प्रकार के कोई कैंडिडेट नहीं आए जिनका टेम्परेचर जो है जो निर्धारित टेम्परेचर है यानी 98.6 से एवव रहा हो, इस नाते सभी को मान के चलते हैं कि स्वस्थ हैं। दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कमरों के अंदर भी ध्यान में रखना, और उनको हम लोगों ने निवेदन किया कि वो हमेशा मास्क पहने रहें। हमारे इन्वेटर, हमारे जो परीक्षा कार्य में संलग्न लोग थे तो सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया है और साथ में जो प्रोटोकॉल है कोरोना का सरकार के द्वारा निर्धारित है उसका भी अनुपालन हमारे केंद्र पर पूरी तरह किया गया। डॉक्टर संजीत कुमार गुप्ता, आज मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बीए की परीक्षा थी जिसमें 12,033 लोग रजिस्टर्ड थे। कुल 23 केंद्रों पर परीक्षा हुई जिसमें से करीब 9,121 लोग प्रेजेंट थे, 2912 लोग परीक्षा छोड़ दिए। इवनिंग में बीएससी नर्सिंग की परीक्षा थी जिसमें कुल 5 केंद्रों पर परीक्षा थी, 5 केंद्र विश्वविद्यालय में थे, रजिस्टर्ड थे 2872 और प्रेजेंट 2381 और परीक्षा यानी एब्सेंट थे 491। सर कोविड का चल रहा है, इसको लेकर परीक्षा को किस तरह से संबंध है? भाई एक तो करीब 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले, जो जब आ जाए पहले 2 घंटे से पहले से केंद्र पर केंद्राध्यक्ष अपने लोगों के साथ मौजूद रहते हैं। मान लीजिए कोई लड़का 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है तो उसको अंदर इसलिए किया जाता है कि लाइन या एक साथ घुसने वालों की भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। दूसरे किसी को भी बिना थर्मल स्कैनिंग किए हुए प्रवेश नहीं किया जाता है। प्रवेश पत्र में ऑलरेडी ये हिदायत दी गई है कि सभी लोग अपना सैनिटाइज़र और मास्क लगा के आएंगे, बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इन केस यदि 2-3 लड़के, 1-2 लड़के या कुछ लड़के आ ही जाते हैं परीक्षा केंद्र पर बिना मास्क के तो परीक्षा केंद्र या केंद्राध्यक्ष के तरफ से मास्क प्रोवाइड किया जाता है, मास्क दिया जाता है। परीक्षा हाल में भी कम से कम एक कमरे में एक छोटा सैनिटाइज़र रहता है और लड़कों को OMR छूने के पहले ये मतलब वो सैनिटाइज कराया जाता है। परीक्षा केंद्र के पहले विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्रों का सैनिटाइजेशन किया गया।